आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि धृतराष्ट्र ने ऐसे कौन से 8 पाप किए थे जिसके कारण उनकी जलकर मृत्यु हो गई थी। अगर आपको भी नहीं पता तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र के वो 8 पाप जिसके कारण हुई थी उनकी जलकर मृत्यु। धृतराष्ट्र महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसे उस काल का सबसे बड़ा खलनायक भी कहा गया है। देखा जाए तो उनका जन्म और मृत्यु उसी जीवन काल में सभी रहस्यमय था। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी ये दर्दनाक मृत्यु उसके द्वारा किए गए 8 पापों की सजा थी जो निंदनीय थे। जी हाँ, हम आपको बता देते हैं कि धृतराष्ट्र को महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक यूं ही नहीं कहा जाता था। वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने पुत्र मुंह में अपने ही वंश का नाश कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं बल्कि मन और बुद्धि से भी अंधे हो चुके थे। धृतराष्ट्र के पहले उस पाप के बारे में बताते हैं, गंधारी के साथ धोखा। जी हाँ, जब भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गंधार की राजकुमारी गंधारी से कर दिया, तब गंधारी को जब ये पता चला कि मेरे पति की आंखों की रोशनी नहीं है, वो एक अंधा है, तब पत्नी धर्म निभाते हुए उन्होंने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। क्या आप जानते हैं कि गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ही ज्योतिषों ने सलाह दी थी कि गंधारी के विवाह पर संकट है, इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषों के कहने पर गंधारी का विवाह पहले एक बार बकरे से करवाया, बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गंधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ज्योतिषों ने ये सुझाव दिया था। इस कारणवश गंधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और उसके बाद उनका विवाह धृतराष्ट्र से करा दिया गया। गंधारी के परिवार को जेल में डालना, गंधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को ये बात पता चली तो उन्होंने समझा कि गंधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर बहुत दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गंधारी के पिता राजा सुभोल को मान लिया। धृतराष्ट्र ने गंधारी के पिता राजा सुभोल और उनके पूरे परिवार सहित उनको कारागार में डाल दिया। कारागार में दंड स्वरूप उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। वास्तव में ये पूरे परिवार को भूखे मार देने की एक साजिश थी। उन्होंने सोचा कि ये भोजन केवल सबसे छोटे पुत्र को दिया जाए ताकि उनके परिवार में कोई तो जीवित बच सके, और वह छोटा पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी था। ये भी कहा जाता है कि विवाह के समय गंधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हसिनापुर आई थी और दोनों यहीं रह गए थे। तीसरा, दासी के साथ सहवास। गंधारी के पुत्रों को करुणा पुत्र कहा गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनमें से एक भी करुणा वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गंधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते गंधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उन सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष के बाद कुंडों से हुई थी। गंधारी की बेटी का नाम दुशैला था। कहा जाता है जब वे गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते उनके पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए थे। चौथा, पुत्र मुंह में करवाया युद्ध। पुत्र मुंह में अंधे हो चुके धृतराष्ट्र नीति को जानते हुए कि पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन राजा और राज सिंह प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मुंह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वो अपने पुत्र के हट और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन की गलती पर गलती करने के बाद भी अप्रत्यक्ष रूप से उसे छूट देते गए। पांडवों के साथ हुई अति अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यानी न्यायकर्ता होते तो ये युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन धृतराष्ट्र ने सब कुछ जानते बूझते हुए भी विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। पांचवा, चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। द्रौपदी के भरी सभा में चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप खड़े रहे और तमाशा देखते रहे। इसी के चलते भगवान कृष्ण को भी महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने की ऐसी अग्नि को जन्म दिया जिसे सभी जल रहे थे, और इस प्रतिशोध का परिणाम इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हुआ। इससे धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी भूल कहा जा सकता है। छठा, अधर्म का साथ दिया। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद
धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गंधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान ही नहीं दिया। गंधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराकर राज्य और धर्म के हितों के बारे में बताता था, लेकिन वे संजय की बातों को नहीं मानते थे। लेकिन वो हमेशा शकनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। वो जानते थे कि अधर्म और न्याय कर रहे हैं, फिर भी वे पुत्र का साथ देते थे। अधर्म का साथ देने वाला एक अधर्मी और खलनायक ही हो सकता है। भीम को मारने की इच्छा, उस काल के सबसे बड़े युद्ध महाभारत का अंत हो चुका था और पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो रही थी। मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ महाभारत धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे, तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा उनके गले भी मिले। बाद में भीम की बारी आई, तब धृतराष्ट्र के व्यवहार को देख भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा जान चुके थे। जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए उनसे आगे बढ़ते हैं, तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारों से रोक दिया और उनके स्थान पर भीम के लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति को तोड़ दिया। उनमें क्रोध इतना था, वे समझ ही नहीं पाए कि ये भीम नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति है। भीम की मूर्ति तोड़ने में अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करने के कारण उनके मुंह से भी खून निकलने लगा। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ, तो वे भीम को मृत समझकर रोने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है, आपने भीम समझकर भीम की मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाने में सफल रहे। पूर्व जन्म का पाप कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उन्हें और उनके सभी पुत्र मारे गए। अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे सैनिकों के साथ राज भ्रमण को निकले, तो उनकी नजर एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हुए हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करा और दर्द से बिलखती उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की ये असहनीय पीड़ा के कारण उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया कि जैसे मेरी दशा तुमने करी है, सेम तुम्हारी दशा भी ऐसे ही होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए तथा उनके पुत्र उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिस तरह हंस के हुए थे। ये तो थे धृतराष्ट्र द्वारा किए गए पाप। चलिए अब उन परिस्थितियों को जानते हैं जिनके चलते धृतराष्ट्र की मृत्यु जलकर हुई। महाभारत युद्ध की समाप्ति के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गंधारी, संजय और कुंती अपना संपूर्ण राजपाट त्याग कर वन में चले गए। समय बीतता गया और इसी तरह 3 साल बीत गए। लेकिन एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए और उसी समय जंगल में आग लग गई। ये देख कुंती और संजय तीनों धृतराष्ट्र के पास भागते हुए गए। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते, वहीं रुकने का निर्णय लेते हैं, जिस कारण गंधारी और कुंती भी अपने पति को अकेला छोड़कर नहीं जाने का निर्णय लेती हैं। धृतराष्ट्र के साथ वहीं रुक जाती हैं। तब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़ हिमालय पर्वत की ओर चले जाते हैं। उसके पश्चात तीनों वन की अग्नि में झुलसकर मर जाते हैं। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर संजय एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। उसके बाद नारद मुनि युधिष्ठिर तक ये दुखद समाचार पहुंचाते हैं। सूचना पाते ही युधिष्ठिर उन सभी की आत्म शांति के लिए नीति अनुसार धार्मिक कार्य करते हैं। इस प्रकार महाभारत के एक और महत्वपूर्ण पात्र के जीवन का अंत हुआ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार जरूर व्यक्त करें। मैं आपसे मिलती हूँ कल। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।